और भदोही से बड़ी खबर है, दिव्यांग का पीएम आवास गिराने का मामला। एसडीएम सहित 12 लोगों पर एफआईआर के आदेश और एससीएसटी कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। तो भदोही से बड़ी खबर है, दिव्यांग का पीएम आवास गिराने का पूरा मामला है। एसडीएम सहित 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज के आदेश दिए गए हैं, एससीएसटी को केस दर्ज करने का आदेश दिया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए। तुषार, दिव्यांग का पीएम आवास गिराने का जो मामला था, इसमें एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, भदोही के एससीएसटी कोर्ट ने ये आदेश दिया। आपको बताऊं तो भदोही के औरई क्षेत्र के जाखी गांव में दिव्यांग रविशंकर के पीएम आवास को 3 फीट जमीन के अतिक्रमण से हटाने के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससीएसटी कविता मिश्रा ने आदेश दिया है कि जो लोग इस घर को गिराए हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, जिसमें तत्कालीन एसडीएम सदर औरई के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, एसआई, लेखपाल समेत 12 पुलिस कर्मियों को के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आपको बताऊं तो 11 अक्टूबर 2023 को बुलडोजर से जाखी निवासी दिव्यांग रविशंकर का पीएम ध्वस्त कर दिया गया था। 3 फीट अतिक्रमण में था, जिसके नाम पर पूरे घर को ही गिरा दिया गया था, जिसके बाद एसटी कोर्ट में दिव्यांग ने अपील की थी और इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी रिक्वेस्ट किया था। चलिए, शुक्रिया आपका तुषार इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे।